आजाद उम्मीदवार सुमन खटाना के समर्थन में आज पटेल चौक पर गुज्जर समाज की एक पंचायत हुई। इस पंचायत में अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। पंचायत ने कहा कि यदि समाज कहता है तो हम सभी सुमन खटाना के समर्थन में उतरेंगे। इस पूरे फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि एक पंचायत और आगामी समय में बुलाई जाएगी, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि समर्थन देना है या नहीं देना, या फिर सुमन खटाना अपना नामांकन वापस लेंगे। इस पूरे विषय पर क्या है पंचायत में आए लोगों का और सुमन खटाना का कहना, आइए जानते हैं। सुमन जी क्या कहेंगे, किस तरह की पंचायत और क्या फैसला इसमें अभी निर्णय लिया गया? तो मीडिया की ओर, मीडिया से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर बता रहे। और निर्णय लिया गया है कि मैं MLA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी समाज के लोगों ने मेरे बड़ा सहयोग किया है। अगर जो भी फैसला होगा हम आपको जरूर बता दें। तो आज वैसे क्या आज निर्णय निकला नहीं कोई भी, लेकिन समाज ने मेरे को बहुत अच्छा जवाब दिया, उससे मैं संतुष्ट हो गया। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपको बता दिया। आपका पूरा मन है? हाँ, मेरा पूरा मन है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, 101% लड़ूंगा। तो सुमन जी, जो कल तारीख है अपनी नामांकन वापस लेने की, क्या उसमें नामांकन आप रखेंगे या वापस लेंगे, क्या करेंगे? नहीं, वापस नहीं लेंगे, हम अपना निशान लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अंत में जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे कि आप जोड़ के उनसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और भाई सुमन को विजय के रास्ते पर ले जाएं। थैंक यू। वैसे किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? पानी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शहरों के अंदर थोड़ी सी बारिश होती है पानी भर जाता है, पब्लिक आने जाने में दिक्कत होती है, रोडें पहले बना देते हैं पानी की लाइनें बाद में डालते हैं, रोड बनने के बाद पानी की लाइनें डालना, सारा रोड ख़राब हो जाना, ये ऐसे मुद्दे। कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पानी भर जाता है, कुछ सड़कें ऊँची हो गई हैं, वहाँ बारिश के मौसम में निकलने का बड़ी दिक्कत होती है। इन मुद्दों के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। समाज का आरोप है कि आपने पहले इनको इत्तला नहीं की, आज अचानक से मीटिंग की है। ये समाज से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरे से गलती होगी कि मैं समाज से नहीं मिल पाया पहले। बाकी अंडर नीचे से मेरी तैयारी पूरी थी, काफ़ी टाइम से मैं लगा हुआ था। तो समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को ये कहूँगा, समाज मेरे साथ रहो, समाज भी कह रहेगा हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सर जी। मेरा नाम लीलाराम होती। लीलाराम जी क्या कहेंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं पंचायत हुई आपके यहाँ पे, किसके समर्थन में क्या मीटिंग हुई है? मीटिंग हुई थी, सुमन जी ने MLA का फार्म भरा है, ये कल मेरे पास गए थे। एक भाई, मैंने MLA का फार्म भरा है, समाज इकट्ठा करना है जी। तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, हम भी आपकी मदद करेंगे और समाज इकट्ठा करो आप। और समाज में कुछ आदमियों का निर्णय कैसा था, कुछ का कैसा था, लेकिन हमारे कैंडिडेट का निर्णय है कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा जी। तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैं तो समाज से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, भाई जितनी मदद हो हमने सुमन भाई की करनी चाहिए। तो पंचायत का क्या लास्ट में अंत का निर्णय रहेगा अभी? बस निर्णय यही है जी हमारा, तो भाई इनका तो पक्का इरादा है, क्योंकि या तो ये समाज के ऊपर छोटे बात ये भी, समाज बताए इनको भाई इलेक्शन लड़ना है आपको या नहीं लड़ना है, लेकिन हमारे कैंडिडेट का खुद का ये निर्णय है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो उसमें तो यही है कि भाई ठीक है, जैसी भी हमारे से मदद होगी समाज, क्योंकि हम चाचा रिश्तेदारी हमारी आपस में है, ये नहीं है कि सुमन अकेला है। तो जो भी समाज फैसला करेगा वो मान्य होगा। तो अभी कोई फैसला आया नहीं है? हाँ, अभी तो देखो जी कैंडिडेट का तो है, बाकी समाज का कोई अभी फैसला आया नहीं है कोई, जो मैं आपको वो कर दूँ। तो मैं भी समाज से थोड़ा तसल्ली करूँगा इस बात की, कोई समाज क्या चाहता है। जब समाज कहेगा कि भाई हम कैंडिडेट के साथ हैं तो हम खुल के समर्थन करेंगे। तो क्या दोबारा मीटिंग बैठा हाँ जा हो सकता है? दोबारा मीटिंग बैठानी पड़ जाए इस बात में, क्योंकि आज कोई बढ़िया फैसला हो नहीं रहा है इस बात में। थैंक यू सर। आज हमारे पटेल स्मारक पर गुज्जर पंचायत हुई है, जो कि हमारा सुमन शर्मा ने MLA का फॉर्म भरा हुआ ना, सुमन गुज्जर खटाना, दोबारा से सुमन खटाना, दोबारा से दोबारा। आज हमारे पटेल स्मारक पर गुज्जर पंचायत हुई है, जिसमें सुमन खटाना ने MLA का फॉर्म भरा है, जो कि पहले गुज्जरों से किसी से बात नहीं की थी, अचानक उसने अपना फॉर्म भरा है, आज इसकी पंचायत हुई है। तो गुज्जर ने अभी पंचायत ने कोई निर्णय नहीं लिया है, अभी आगे की तारीख सभी गुज्जरों को इकट्ठा किया जाएगा सभी गांवों को, तभी इसका कोई समर्थन के बारे में या ना समर्थन के बारे में विचार किया जाएगा। बस आज यही पंचायत। ठीक है सर।